सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शादी के लिए लड़कों को अगवा किए जाने यानी पकड़वा विवाह के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है। पिछले 5 साल से इस अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर ही चढ़ता जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस से ठीक पहले बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सरकारी अभियान के तहत लोगों का चेन बनाकर आगे आना ये बताने के लिए काफी है कि देश के बाकी हिस्सों की तरह बिहार भी इसी बीमारी से ग्रस्त है। पकड़वा विवाह की कड़ी इन्हीं कुरीतियों से सीधे सीधे जुड़ती है। प्रदेश में हर साल कुछ नवयुवक शादी के मकसद से अगवा किए जाते हैं। पकड़े जाने के बाद लड़की वाले इनकी जबरन शादी करा देते हैं। लड़के और उनके परिवार वालों पर इस शादी को मान्यता देने का दबाव बनाया जाता है। कई बार इस तरह बनाई गई जोड़ियों की शादी आगे चलकर कामयाब हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ये शादी दोनों ही पक्षों या किसी एक पक्ष के लिए गले की फांसी साबित होती है। दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है, ये सबको मालूम है, लेकिन ज्यादातर मामलों में दोनों ही पक्ष आपसी रजामंदी से लेन देन करते हैं, इसलिए मामले कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुँचते। नतीजतन ये कुप्रथा चलती रहती है। पकड़वा विवाह को काफी हद तक दहेज प्रथा का साइड इफेक्ट माना जा सकता है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।